अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं भाई? ईद तो सही गुजर गई होगी आप लोगों की, और अच्छे से आपने ईद गुजार ली होगी। हमारी भी बड़ी मुसीबत रही, कोई व्लॉग नहीं बना सके, तो मैंने तहा भाई को भी फ़ोन किया है। मैंने कहा भाई काफ़ी देर हो गए व्लॉग नहीं बनाया है, तो आज हम चलते हैं व्लॉग बनाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ व्लॉग बनाने, तो आपको पूरा सीन दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। Years later. अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जनाब? काफ़ी अर्से बाद जो है मैंने व्लॉग दोबारा बनाया है। आज तो आज इतवार का दिन है, मैं अभी सुबह सुबह कट आऊँ, तो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं। अच्छा जी, सुबह से लगी हुई है बारिश और ये सूरत हाल है छत की। चलो भाई चलो, मोबाइल गीला हो जाएगा। अच्छा कराची में मसला ये है कि अगर बारिश हो जाए ना तो सड़कें वड़कें सब ब्लॉक हो जाती हैं, ना बंदा कहीं आ सकता है ना जा सकता है, तो ये सूरताल जो है ना ऐसी ख़राब होती है। अभी आप देखें सुबह से लगी हुई बारिश, तो आप देखें सड़कों का हाल। ये पानी कम है क्योंकि बारिश अभी स्लो हो गई है, तेज़ बारिश में ज़रा फिर मुश्किल होता है निकलना। और मेन रोड्स का जो हाल होता है ना, बस अल्लाह ही आता है। शदीद बारिश हो रही है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन कराची जो है ना वो बारिशों में बिल्कुल बंद हो जाता है। हर चीज़ बंद, सड़कें बंद, एयरपोर्ट बंद, गलियां बंद, नाले बंद। हम तो बचपन से देखते आए हैं कराची को ठीक करने वाला कोई भी नहीं है। आज 24 जुलाई है और आज का दिन था, हम सोच रहे थे कि कराची में कोई तब्दीली आ जाएगी, कुछ मेयर अच्छा आ जाएगा, हाफिज़ नईम रहमान जैसा मेयर आ जाएगा तो कराची में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया गया है। आपको पता है कि अब ये इलेक्शन जो है ठीक एक महीने बाद होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कराची छोड़ के चले गए हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं, और चूंकि हम लोगों के रबते में रहते हैं और हमें अंदाज़ा है कि लोग कराची में अब रहना नहीं चाहते, क्योंकि भाई ना बिजली है ना पानी है प्रॉपर, और कोई कोई सहूलियात नहीं है, गटर भरे हुए उबल रहे हैं। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, एक महीने बाद ही सही, दोबारा से हम इंतज़ार कर लेते हैं, एक महीने बाद देखते हैं कोई अच्छा मेयर आ जाए कराची के ऊपर, कराची की तकदीर को बदल दे। शायद कोई अर्दोगान जैसा बंदा आ जाए कि जिसने इस्तांबुल को तब्दील कर दिया, शायद कोई लंदन जैसा मेयर आ जाए, वो भी पाकिस्तानी है लंदन का जो मेयर है, और ज़बरदस्त इंतज़ाम चला रहा है। तो भाई कराची वाले जो है ना बस
उनकी किस्मत में तो लगता है कि रोना ही लिखा हुआ है। कभी हालात ख़राब, कभी हड़तालें, कभी टारगेट किलिंग, कभी बरसात के मसले, कभी कोई मसले, तो लगता है कि बददुआ है कराची को। और हमें सोचना भी चाहिए कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी पिछले 25-30 सालों में कि कराची का मामला जो है वो ठीक होकर ही नहीं दे रहा। खैर ये तो बात है जी, बारिश चल रही है ज़बरदस्त किस्म की और मैं भी घर में मुकीद होकर रह गया हूँ, बाहर निकलना फजूल है। सुबह बेगम ने फरमाइश कर दी थी कि जी हलवा पूरी खानी है जी आज सुबह सुबह, तो मैं सुबह बारिश होने से पहले ही निकल गया था हलवा पूरी लेकर वापस आया। हमने नाश्ता ज़बरदस्त किस्म का कर लिया है और नाश्ता करने के बाद जो है ना मेरे ख्याले बिल्कुल फुल हो गए हैं और दोपहर का खाना शायद हम स्किप कर दें क्योंकि ऑलरेडी हम देर से उठे हैं और देर से उठने के बाद जो है फिर जाहिर सी बात है नाश्ता भी किया है तो दोपहर का खाना स्किप ही करना पड़ेगा। अब इंशाल्लाह रात को खाना खाएंगे। A few moments later. जमाने का एक रिकॉर्ड था। ओफ 13 महीने में जो है ना ये बिल्डिंग बन गई है, ये दिखाई है इसने दरों राठौर ने। खाना आ गया भाई, ओए बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, और भूख लग गई है जनाब, खाना खा लें। बेहतरीन खाना है भाई, कढ़ाई। जबरदस्त